ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് ശക്തി പകർന്ന സന്യാസി സംഗമത്തിന് തുടക്കം. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ നിരവധി ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മഠങ്ങളിൽ നിന്നുമായി സന്യാസി വര്യന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു. വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അഖില ഭാരതീയ സമ്പർക്ക പ്രമുഖ അശോക് തിവാരി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമ ദാസ് ആശ്രമത്തിലാണ് സന്യാസി സംഗമം നടക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति ये कोई दो संगठन नहीं है। अगर किसी के मन में यह बात हो, यह धारणा हो कि हम कोई दो संगठन है, बस समाज के बीच में धर्म के विषयों को लेकर के धर्म योद्धा के रूप में विश्व हिंदू परिषद काम करती है और मठ मंदिरों के अंदर जो संत बैठे हैं उन संतों के बीच संपर्क की योजना करना, उनकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना। मठ भी भक्तों के बगैर अधूरे हैं और भक्त भी गुरुओं के बगैर अधूरे हैं। तो संगठन की शक्ति और संत शक्ति का जो सम्मिलन है वो अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद है। अब जाकर के वस्तुतः यह बात पूरे देश में उठती थी कि क्या करें, इस्लाम के अनुयायी, क्रिश्चियनों को मानने वाले ईसा मसीह के अनुयायी एक हैं, एक मत हैं। प्रश्न उठता है कि 73 फिरके में बटा हुआ इस्लाम एकजुट होकर के प्रहार करता है, 146 ऑर्थोडॉक्स में बटा हुआ क्रिश्चियन एक समूह में बंध करके प्रहार करता है, लेकिन जब हमारे संघर्ष की बात आती है तो यह शैव है, यह वैष्णव है, यह शाक्त है, यह कापालिक है, यह विरागी है, ऐसी परंपराओं का उल्लेख करके कभी हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो पाते। फिर हमारे शास्त्रों की व्याख्या कौन करे, हमारे उपनिषदों का भाष्यकार कौन है? वर्तमान में इसको ध्यान में रख करके 450 वर्षों की काशी की सर्वमान्य संस्था श्री काशी विद्वत परिषद, जो शंकराचार्य की परंपरा में, रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में मान्यता प्रदान करती है, अभिषेक करती है, वो परंपरा भी अब हमारे साथ कदम ताल करने लगी है। जब भी शास्त्र के प्रश्न खड़े होते हैं तो हम विद्वत परिषद को याद करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज दक्षिण भारत में इस त्रावणकोर की प्राचीन वैभवशाली परंपरा में हम भगवान पद्मनाभ जी के श्री चरणों में बैठ करके दक्षिण के तीन राज्यों के संत यहां चिंतन करने के लिए पधारे हैं। परशुराम तो धर्म योद्धा थे, यह उनकी तपाभूमि है। अगस्त ने समुद्र को उसकी हैसियत बताई थी, यह उनकी समाधि स्थली है। और आचार्य शंकर ने तो अद्वैत का दर्शन पूरी दुनिया को दिया था, यह उनकी जन्मभूमि है। जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि, ये तीनों के रूप में केरल की यह पवित्र भूमि जहां पूज्य संतगण बैठे हैं, जिस आश्रम में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, पूज्यपाद हमारे नेशनल सेक्रेटरी स्वामी शक्ति सानंदानंद जी दक्षिण में बैठ करके जब उत्तर भारत के वामपंथी हिंदी अखबारों में ये लिखते थे कि दक्षिण में राम की मान्यता नहीं है, उस समय दक्षिण से एक सन्यासी योद्धा निकला, रथ लेकर के निकला और उत्तर भारत का भ्रमण करके शक्ति सानंदानंद जी ने यह बताया कि नहीं, दक्षिण में भी हम राम को मानने वाले बैठे हैं। इसलिए ये जो भ्रम फैलाने वाले जो उत्तर भारत से आके दक्षिण में बताएंगे कि उत्तर में शंकराचार्य की मान्यता नहीं है और उधर जाकर के बताएंगे कि दक्षिण वालों में तो राम की मान्यता नहीं है, ये भ्रम फैलाने वाले लोगों के भ्रम तोड़ने का काम पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी की पुण्य भूमि से, जगत गुरु सत्यानंद जी की पुण्य भूमि से शक्ति सानंदानंद जी ने किया। कुछ भ्रम थे,
आने के पहले मैं 3 महीना पहले जब यह समय दिया तो मुझे परिस्थिति का अंदाजा नहीं था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी मेरे व्यक्तिगत हिसाब से। आए बहुत सारी बातें इधर उधर की सुनने को मिली। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को याद करके आज एक बात से मैं मूल विषय पर आता हूं। 2004 में दीपावली की रात्रि और कांची के पूज्य शंकराचार्य को दीपावली की पूर्व संध्या में तमिलनाडु के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और दक्षिण से कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। दिल्ली के अंदर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, 1 पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, 4 प्रमुख व्यक्ति जंतर मंतर पर जमीन पर धरने पर बैठ गए कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी को लेकर। अब प्रणव मुखर्जी जो उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपनी जीवनी में इस बात को उद्घाटित किया कि श्रीमती सोनिया गांधी की जिद ने कांची के आचार्य को गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि कांची के आचार्य धर्मांतरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थे। एसेट्स, आश्रम, ये बड़ी बाधा थी और इसलिए दक्षिण में और दक्षिण के संतों में हिम्मत ना पड़ी कि वो आंदोलन भी कर सके। आंदोलन उत्तर में हुआ, जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट ने नहीं दी, बाद में एक केस खत्म हो गया, लेकिन शंकराचार्य की जो